हाई गाइस, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा घरेलू नुस्खा लेकर आई हूँ जिसके इस्तेमाल से आप अपने बालों की लेंथ को बढ़ा सकते हैं और साथ साथ जो भी हेयर प्रॉब्लम है, जैसे कि डैंड्रफ, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है अगर आपको, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से दूर हो जाएंगी। फ्रेंड्स, इस होम रेमेडी को रेडी करने के लिए हमें जो इन्ग्रीडियंट चाहिए वे बहुत ही इजीली आपकी किचन में मिल जाएंगे, आपके घर पर अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आगे भी मैं ब्यूटी एंड हेल्थ दोनों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूँ। साथ साथ बेल के बटन को एक्टिवेट करना ना भूलें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिल सके। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि इस होम रेमेडी को हमने कैसे तैयार करना है और इसके लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, मैं एक क्लीन बाउल लूँगी। ये मैंने यहाँ क्लीन बाउल ले लिया है और इस फॉर्मूले को बनाने के लिए मैं लूँगी यहाँ पर कोकोनट ऑयल। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डाबर का लिया है। कोकोनट ऑयल आपको चाहिए इसमें, ये मैं यहाँ पर ले रही हूँ। ये देखिए 1 स्पून। आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी ले सकते हैं, अगर आपके बाल लंबे हैं थोड़े या थोड़ी उनमें प्रॉब्लम है जैसे डैंड्रफ वगैरह की, तो उसके लिए इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसमें कोकोनट ऑयल के 2 स्पून ऐड कर सकते हैं। सेकेंड इन्ग्रीडियंट जो ले रही हूँ मैं यहाँ पर, वो है लेमन। फ्रेंड्स, ये आपने हाफ लेना है, इस तरह से मैं इसमें इसको स्क्वीज कर दूंगी। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इसका अपने बालों पर दिखेगा। फ्रेंड्स, इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, कोकोनट ऑयल जो है वो बालों के लिए बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, बहुत बढ़िया रिजल्ट होता है इसका बालों पर, हमारे बालों को सॉफ्ट बनाता है, शाइनी बनाता है। और इसमें जो मैंने लेमन ऐड किया है, लेमन आपके बालों से डैंड्रफ को दूर करेगा और साथ साथ आपके बालों पर, आपके स्कैल्प पर जो इन्फेक्शन है उसे भी दूर करेगा। फ्रेंड्स, इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आपने इसे इस तरह से रख देना है और 2-4 मिनट तक इसे इस तरह से रखने के बाद आपने इसे अपने बालों में अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, आपने ध्यान रखना है कि अप्लाई करने से पहले आपके बाल जो हैं, आपका हेड वॉश होना चाहिए, बाल बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, उसके बाद आपने इसे स्कैल्प से लेके बालों की लेंथ तक अच्छे से लगाना है। और मैं ये ज़रूर कहूँगी आपको दोस्तों कि इसको लगाकर आपने 5 से 10 मिनट तक मसाज जरूर करनी है। दोस्तों, इस तरह से आपने अच्छे से, आपने स्कैल्प से लेकर बालों की लेंथ तक बहुत बढ़िया तरीके से आपने पहले बालों की मसाज करनी है और फिर इसे आपने लगाकर 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ देना है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस नुस्खे को रात को सोते टाइम भी अप्लाई कर सकते हैं। इसे अपने बालों में लगाकर बालों को अच्छे से किसी भी टॉवल के साथ, कॉटन के दुपट्टे के साथ या फिर शावर कैप के साथ बालों को कवर करके सो जाइए और सुबह अपने बालों को शैम्पू से वॉश कर लीजिए। बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है दोस्तों, इसे अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा और जो भी आपका एक्सपीरियंस हो वो मेरे साथ कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। पसंद आने पर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।